बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवैस वीजा टीवी के साथ फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम यूई वीजा के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, जिसमें शामिल हैं एक्सपायर वीजा, कैंसल वीजा, रेजिडेंस वीजा होल्डर्स। इसके अलावा लोग काफी क्वेश्चन करते हैं कि न्यू वीजा कब इशू होगा, इसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि वीजा और इमिग्रेशन के हवाले से मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। सबसे पहले हम एक्सपायर वीजा के हवाले से बात करेंगे। जो चाहे 1 मार्च से पहले के एक्सपायर हो चुके हैं या 1 मार्च के बाद के एक्सपायर हुए हैं, ऐसे वीजे जो 1 मार्च से पहले के एक्सपायर हुए हैं, यूई की गवर्नमेंट के हवाले से जो बात सामने आई, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग 18 अगस्त से पहले पहले कंट्री को छोड़ दें। इसमें तमाम वो लोग भी शामिल हैं जो इलीगल तरीके से यूई में काफी अरसा से रह रहे हैं। अगर ऐसे लोग 18 अगस्त से पहले पहले यूई को छोड़ देते हैं तो इन पर कोई फाइन नहीं आएगा। इसके अलावा अगर ये यूई में वापस आना चाह रहे होंगे तो इनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। बहरहाल वो लोग जिनके वीजे 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुए, चाहे वो किसी भी तरह का वीजे का स्टेटस था, वो 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ, ऐसे लोग 31 दिसंबर 2020 तक यूई में रह सकते हैं, इनका वीजा वैलिड रहेगा। आपका एक्सपायर वीजा 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड तो रहेगा, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले यूई को छोड़ देते हैं, आप अपनी कंट्री में चले जाते हैं, फिर बाद में आप सोचते हैं कि हम दोबारा यूई में चले जाएं, तो आपको यूई में आने की इजाजत नहीं होगी जब तक आप अपना वीजा रिन्यू नहीं करवा लेते। 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले अगर आप यूई छोड़ जाते हैं, आप अपने कंट्री में चले जाते हैं, तो फिर वो जो आपका एक्सपायर वीजा है वो किसी काम का नहीं होगा, आपको रिन्यू वीजा करवाना होगा, फिर ही आप यूई जा सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने वीजे कैंसिल करवा लिए, चाहे वो यूई के अंदर हैं या यूई से बाहर हैं, अगर आप यूई से बाहर हैं और आपका वीजा कैंसिल हो चुका हुआ है, तो अब ये आपका वीजा किसी काम का नहीं रहा, आपको वीजा रिन्यू करवाना होगा। इसके अलावा अगर आप यूई के अंदर हैं और आपका वीजा कैंसिल हो चुका हुआ है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हुकाम की तरफ से जो खबर सामने आई, उनका ये कहना है कि या तो आप कंट्री छोड़ जाएं या फिर अपना जो वीजा है उसको रिन्यू करवा लें। इसके अलावा जिस दिन से आपका वीजा कैंसिल हुआ, आपको ओवरस्टे का फाइन भी देना होगा, जिसमें पहले दिन का ओवरस्टे फाइन 221 दिरहम और उसके बाद हर आने वाले दिन का जो फाइन होगा वो 25 दिरहम जमा होता चला जाएगा। ये बात आमिर गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से सामने आई कि जिन लोगों के वीजे कैंसिल हो चुके हैं और वो यूई के अंदर हैं, वो अपने वीजे रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसे लोग जो यूई से बाहर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो वापस लौट जाएं, चाहे उनके वीजे 1 मार्च के बाद एक्सपायर हो चुके या इसके अलावा जिन लोगों के वीजे 6 माह पुराने हो चुके हैं और वो अभी तक यूई में इंटर नहीं हो सके, तो ऐसे लोगों का जो वीजा होगा वो 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वापस आना चाहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका था कि 8 जून से एमिरेट्स एयरलाइन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से प्रवाजे लेकर जाया करेगी, तो आप अब इजीली वापस आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ICA से अप्रूव करवाना होगा। ICA पर अप्रूव कैसे करवाते हैं, इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। लिहाजा आप लोग अगर यूई वापस आना चाहते हैं तो तब तक अपनी टिकट ना करवाएं जब तक आपको ICA से अप्रूवल नहीं आ जाता। लास्ट क्वेश्चन जो बार बार लोग पूछते हैं कि न्यू वीजो का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, न्यू वीजे कब से स्टार्ट होंगे, तो इसके बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से जो खबर सामने आई, यूई ने कहा कि हम 1 जुलाई से नई वीजो का आगाज करने जा रहे हैं, अगर चाहे कोरोना वायरस की वजह से कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई तो हम इसको सितंबर तक डिले भी कर सकते हैं, लेकिन हम 1 जुलाई को नई वीजो का आगाज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उम्मीद तो यही की जाती है कि इस वीडियो में मैंने काफी बातें कवर कर दी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।